सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क जेनेसिस 2 का। तो गाइस, आर्क जेनेसिस 2 के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हमने जो ना गाइस एक मिशन करा था, जिस मिशन में हमने जो ना गाइस कुछ खतरनाक से बॉसेस को मार के काफी इंपॉर्टेंट डेटा जो है ना गाइस वो कलेक्ट करके हमारे इन हेलिना मैडम जी को दिया था। और हेलिना मैडम जी ने जो है ना गाइस उस डेटा को प्रोसेस कर लिया है। और अभी यहाँ पे आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है गाइस, ये इसमें जो है ना गाइस हम लोग, मैं सोच रहा था कि आज मैं कुछ मिशंस कर लूँ वापस से, पर बाद में मैंने सोचा रहने दो भाई, मिशन अभी मैं नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके एक खतरनाक एंड ओपी से जो है ना गाइस वुल्फ को टेम करूंगा। और मैं नॉर्मल वुल्फ को टेम नहीं करने वाला। आपको पता होगा पिछली बार ना हम जब मिशन करने गए थे यहाँ पे, तब भाई मिशन करते वक्त ना हमारा थाइलो कोलियो स्वाहा टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि गाइज उस मिशन में डायनोज अलाउड नहीं थे। और मैंने थाइलो कोलियो को बुलाया, और बुलाने के बाद जो ना गाइज मैंने उसको एक मतलब बंद कमरे में छोड़ के मैं आगे मिशन कंप्लीट करने के लिए चला गया था दूसरे कमरे में। एंड उस रीजन से वो कमरा जो है ना ग्लिच हो गया, हमारा थाइलो कोलियो जो ओपी सा थाइलो कोलियो 40,000 हेल्थ वाला था उसका गेम बच चुका है, और वो हमारे बीच अभी नहीं रहा। लेकिन हमारे पास उसके बैकअप वाला जो थाइलो कोलियो है वो बचा हुआ है। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी थाइलो कोलियो से अच्छा ना मैं यहाँ पे जो ना गाइस वुल्फ को टेम करूँ। एंड इसलिए आज ना मैं जाने वाला वुल्फ गैंग को टेम करने के लिए। एक दो भाई वुल्फ को टेम नहीं करेंगे अपन, पूरी की पूरी वुल्फ गैंग को आज अपन यहाँ पे टेम करने वाले। तो चले बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू कर देते और मचा डाल दे एकदम उल्टू। तो भाई वैसे गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ गाइज, जो भी नए बंदे होंगे फटाक से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफ़ी मायने रखता है गाइज हमारे लिए। और अब मैंने जो है ना गाइज एक 100 डे सर्वाइवल वाला वीडियो यानी कि चैनल पे डाल रखा है आर्कमॉन का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। उस वीडियो पे जैसे 1000 लाइक होंगे ना वैसे 200 डे वाला पार्ट जो ना बनाना चालू हो जाएगा। तो फटाफट जाके 1K लाइक उस वीडियो पे करा देना गाइज। और मैं आपको एक और बात गाइज यहाँ पे बताना तो भूल गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि गाइज यहाँ पे हमारा जो ना सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो गाइज। लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में आपको थैंक्स का बटन जो है ना गाइज वो दिख जाएगा। भाई ये झरना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है रे, दूर से छोटा लग रहा था, नज़दीक से देखना गाइज कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। सही है भाई, चलो 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 चलो। ओके, मेरे हिसाब से जो है ना गाइज शायद से इस वाले एरिया में ही हम लोग ने वुल्फ देखे थे, या मुझे और थोड़ा सा भाई इधर कहीं पे जाना पड़ेगा। मैंने यहीं पे जो ना गाइस वुल्फ गैंग देखी थी। मैं जरा आगे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे ना वुल्फ मेरे को दिखाई दे रही कि नहीं गाइस। ठीक है, मतलब वो वुल्फ गैंग को तो मैं मार चुका था, और उसके बाद एक और वुल्फ गैंग मेरे सब मेरी जान गाइस है ही ना। अरे वुल्फ भी है और रेक्स भी है। अरे आर रेक्स चाहिए यार, नॉर्मल बिरमल रेक्स भाई अपन ना यूज करते। वुल्फ गैंग, अरे बाप रे, वुल्फ गैंग भी है और थाइलो भी है। थाइलो कितना लेवल है? 76 लेवल। आ तू भाई, ये देखो भाई, ये देखो क्या मेरी क्या बंडा है, क्या बोलती पब्लिक, पट्टे से हेडशॉट ना मेरी जान। रुको रुको रुको, बाप रे, वुल्फ गैंग में टोटल चार वुल्फ है भाई, चार वुल्फ है। और मैं डायरेक्टली अल्फा के ऊपर भाई इनका जो लीडर है ना ग्रुप का उसके ऊपर यहाँ पे जो है ना गाइस वो कर रहा हूँ। इसकी तो बैंड बच गई, इसकी भी बैंड बच गई। अच्छा वो बेहोश हो गया। अच्छा तू लीडर है क्या? अरे बाबा पता नहीं है लीडर बीडर है कि नहीं, लीडर है क्या भाई? लग तो नहीं रहा गाइस कि ये लीडर है करके। अबे यार गलती से वो साइड वाले को ना लग जाए, पिछवाड़े पे ले ले। हाँ भाई ठीक है, हो गया, ये भी बेहोश हो गया भाई। थाइलो, अरे काहे कछुए को मार रहा है भाई, जालिम थाइलो गोलियो कछुए के ऊपर अत्याचार कर रहा है। दो रुक रुक, ए मेल है गाइस, इज मेल इज द
और आपको बताइए गाइस कि हमारे पास फीमेल जो ना गाइस वो पड़ी हुई है, दो दो थाइलो, मतलब एक तो थाइलो को लिए पिछले एपिसोड में उसमें से मारी गई, तो हमारे पास ना फीमेल वाली थाइलो पड़ी। भाई ये वुल्फ को मार देंगे यार, कम हियर इधर आओ, इनको वुल्फ लोग से दूर लेके जाना है, इन्हीं का मिड खिला के जो ना गाइस वुल्फ लोग को डैम करूंगा। मेरे को वैसे बॉस फाइट के लिए ना मुझे बताने गाइस कि कौन से डायनो चाहिए। हाँ गाइस मुझे बताने की, अरे बाइट अटैक बेटा, ये जो आसमान में उड़ने वाला सूट है ना भाई, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा ही काम आ रहा है भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा यूजफुल है गाइस ये सूट हमारे लिए। भाई चोर पंछी भी मेरे पीछे पड़ा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, पग भेज गया हीरो। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, हीरो बन रहे ना ये लोग, हीरो बन रहे ना, रुको तू तो मर जा पहले बेटा। अरे नहीं यार, रिक्स के ऊपर वर्क नहीं करती क्या ये, मुझे लगा था कि रेक्स के ऊपर भी वर्क करती है, बड़े रेक्स के ऊपर वर्क नहीं करती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस बार रेक्स का मिड खिला के जो है ना गाइस, भाई हमारे वुल्फ को डैम करूंगा मैं। ले बेटा पार्ट से, क्या बेटा हीरो बनेगा, सामान चुराएगा चोर गई के, वो भी तीन मिड, कैसा गरीब था भाई, तीन मिड लेके भग रहा था बताओ। चलो भाई प्राइम मिड जो है ना गाइस यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, और बस ठीक है, हमारी ना वुल्फ गैंग को डेम कर लेते हैं। हमारी वुल्फ गैंग में टोटल चार लोग हैं, चार गाइस, कितने चार भाई। ये क्या चीज़ है, जार ऑफ पिच, मतलब उसे कुछ होता है। ए गाइस जार ऑफ पिच कुछ मिला है मेरे को, मैंने पिछली वाली जो मिशन कंप्लीट करा था ना गाइस, उसके बाद एक जार ऑफ पिच समथिंग कुछ मिला है। ओ वैसे भाई हमने जो वुल्फ डेम करे उसमें सबसे हाई लेवल का कौन सा वुल्फ था, ये था क्या, ये तो नहीं था शायद से वही था, 100 लेवल का है ना गाइस, वही होगा शायद से, हो जा भाई। ओ यस लेट्स गो, रेक्स को मारने तक जो है ना गाइस ये सारे वुल्फ हंगरी हो चुके थे यहाँ पे। भाई इसका कलर भी काफी ओपी है, 76 लेवल का जो थाइलो है ना गाइस, इसका कलर काफी अच्छा लगा मुझे। आ जा, ओए होए देखो भाई सफेद सफेद मुंह बना रखा है, जोकर लग रहा है भाई, जोकर भाई बुल्डो। अभी ना मुझे क्या करना है पता है क्या, अब मुझे चुपचाप घर पे जाना है। मैं यहाँ पे कुछ उंगली करना चाहता था बट बाद में सोचा रहने दो गाइस, उंगली नहीं करते ज्यादा, चुपचाप घर पे चलते हैं भाई। ठीक है, और घर पे चल के मैं आपको अपनी वुल्फ आर्मी दिखाता हूँ। ओके अभी अपने पास भाई यार, हाँ इधर आ जा भाई। भाई मैंने सबको ट्रैकर खिला रखा था ना, आपको बताओ गाइस पिछले बार के इंसिडेंट के बाद मैंने सबको ट्रैकर खिला रखा था। फीमेल अभी तुम अकेली नहीं हो, अरे अच्छा तुम मेल था क्या, अच्छा मतलब गाइस हो जाता है, चलता है भाई आजकल चलता है, मेल चलता है गाइस। ठीक है हो गया गाइस, हो गया भाई, तुम्हारी रब ने बना दी जोड़ी, मुझे लगा गाइस ये फीमेल है यार इसलिए मैं इसको टेप करके लाया। बाकी ये वुल्फ जो है ना गाइस देखना तो बिल्ले की तरह लग रहा है भाई, बिल्लो का कलर ऐसा होता है लेकिन कूल है गाइस, ये कलर जो है ना काफी कूल लगा मुझे और मुझे पसंद आया ये कलर एक्चुअली में। ठीक है अभी मैं आपको ना मेरी वुल्फ आर्मी दिखा देता हूँ ना मेरे भाई, ये वन वुल्फ, ये सेकंड पैक लीडर, ओ हु इज पैक लीडर, 167 लेवल का ये जो वुल्फ है ये इनका पैक लीडर है। अगर ये वाला वुल्फ पैक लीडर होता तो भी मान जाता मैं यार, इसका कलर क्या सॉलिड है ना गाइस, 107 लेवल वाले का, और वो 59 लेवल वाले का भी काफी ओपी है। बट मैंने गाइस वुल्फ के पूरे पैक को यहाँ पे जो है ना गाइस टेम कर लिया है भाई, देख रहे हो ये तो कालिया लग रहा है हमको भाई। इनको नाम दे दूँ क्या, मैं नाम दे दूँ इनको, इन वुल्फ्स को नाम देखो, मैं इसको नाम दूंगा कालिया भाई। ठीक है इसको नाम दूंगा मैं कालिया, ओके अपना भीम वाला कालिया भाई। ठीक है एंड इसको नाम दूंगा अल्फा, अल्फा ये रहेगा हमारा अल्फा, और अल्फा हमारे साथ हर एक फाइट पे जाएगा, जो मिशंस करने जाऊंगा उसमें मेरे साथ गाइस अल्फा जाएगा गाइस, ये देख रहे हो ये अल्फा मेरे साथ उन मिशंस में जाएगा गाइस। तो क्या बोलती पब्लिक, अबे अरे रुको, नहीं करा फॉलो नहीं करा, अच्छी बात है गाइस। क्या बोलती पब्लिक, कैसी लग रही है हमारी वुल्फ आर्मी, है ना एकदम धासू। रुक जाओ यहाँ पे ना टॉर्च ले दो हाथ में, अबे यार मेरे पास टॉर्च नहीं है क्या, ओ मेरे पास टॉर्च नहीं है भाई, और मैं ना अगले एपिसोड में वापस से वुल्फ को लेके जाके मिशन कंप्लीट करने वाला हूँ। कौन सा मिशन मेरे को भी खुद पता नहीं बट करने वाला हूँ गाइस कंप्लीट। ओहो लेट्स गो, अभी ना तीन वुल्फ्स को ना मैं अपने बेस पे रख देता हूँ। ठीक है जो तीन वुल्फ रहेंगे इनको मैं बेस पे रख, नीचे नहीं कूदना बेटा, हाँ नीचे नहीं कूदना, इसका कलर काफ़ी सॉलिड है यार,
ये काले वुल्फ का ना कलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया भाई। रुको, इस वुल्फ को ना मैं यहाँ पे लगा के रख देता हूँ, ठीक है। रैप्टर सर जी, क्या हुआ? रैप्टर को यहाँ पे रख देता हूँ। ये फीडर डाल रखा है ना? हाँ, फीडर के अंदर मीट, हाँ ये ले भाई, थोड़ा सा मीट डाल देता हूँ, मीट की कमी थी, ठीक है। चलो आ जाओ, और अपना जो पैक लीडर होएगा उसको लेके मैं थोड़ा सा ना लेवल अप करने के लिए उसकी लेके चला जाऊंगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम हमारे अल्फा से ही जो है ना गाइस एकदम फुल टू बूम बाम करने वाले हैं। ओके, मैं जो है ना गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट मिशन अगले एपिसोड में अपने अल्फा से करने की कोशिश करूंगा। निकल भाई, और मेरे को थोड़ी एरो भी चाहिए होगी। पिछली बार जो है ना गाइस काफी ज्यादा एरो गाइस उस मिशन में भाई खत्म हो गई थी। या तो मैं एआर, अबे यार हेलो भाई, देखो गाइस सिंगल प्लेयर में खेलने के यही नशे होते हैं गाइस, ठीक है। कभी कभी गेम अटक जाता है, ये देखो लाइक दिस होता रहता है गाइस, कॉमन चीज है भाई ये। सिंगल प्लेयर में खेलते हो तो पूरा लोड जो है ना गाइस वो जीपीयू पे पड़ जाता है, और थोड़ा सा पीसी जो है ना गाइस वो ज्यादा लोड ले नहीं पाता, ठीक है। और आर्क तो दिन ब दिन आपको बताइए गाइस अपडेट के साथ साथ ना और भी ज्यादा ग्राफिक मांगने लगा है, क्या करे भाई। आ जाओ अभी ना, हेलो ऑटो, ऑटो को लेके चलूंगा साथ में, नहीं रहने दो, ऑटो भी भाई गायब हो जाएगा। मुझे एक एआर गन बनानी है, राइफल फैब्रिकेटेड, फैबी बना सकता हूँ क्या गाइज में? फैबी जाना गाइज, फैबी बना के मैं उसको असेंडेड कर लूँ। फैबी बन रही है गाइज, मैं फैबी बना के अपनी फैबी को असेंडेड कर लूँ क्या? क्योंकि आपको बताया यार मेरे को जरूरत है भाई, मेरे को जरूरत है गाइज इन चीज़ों की। रुको, गिली बिली चूड़ी यहाँ पे डाल दे भाई। और ये क्या चीज़ है? रुको, ये क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये यहाँ पे लगा भी नहीं सकता, लाइट द टारगेट ऑन फायर एंड ऑल्सो कैन लाइट ऑयल स्टैक कैन बी फायर्ड ऑन बैलेस्टर। अच्छा, बैलेस्टर टॉरेट से भाई मैं इनको फायर कर सकता हूँ, ठीक है। ये ग्राफिक, हाँ भाई ग्राफिक फिट्टी दिख रही थी अचानक से। ओके, सो ये रही गई हमारी फैब्रिकेटेड राइफल, और अभी मैं इस फैब्रिक को असेंडेड कर कैसे कर सकता हूँ मैं इतना महान काम, बताओ। मैंने अपग्रेड स्टेशन की जगह पे उसको डाल दिया ब्लूप्रिंट स्टेशन में, और उसका ब्लूप्रिंट बन गया, बताओ भाई। रुको गाइज, मैं ना फैबी को असेंटेड अगर कर पाया ना, एडवांस एमो बना लूंगा क्या मैं? गन पाउडर और मेटल ही चाहिए मुझे, खाली गन पाउडर बनानी है, क्योंकि मेटल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। गन पाउडर भी 2000 ही बनी है, एक काम कर और बना ले। चारकोल कम पड़ रहा है, ओके। स्पार्क पाउडर भी बना ले, चल इसी बात पे स्पार्क पाउडर बनाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। फैबी बन गई, फैबी के अपग्रेड के लिए मैं देख लेता हूँ गाइस कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है भाई। एलिमेंट देख रहा, एलिमेंट की कमी नहीं है यार। सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए, वो थोड़ा सा कम हो सकता है, अरे कम क्या है ही नहीं ये भाई, सीमेंटिंग पेस्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, गन पाउडर थोड़ा सा साइड में रखो, सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए कहीं चिट्टी नहीं हमारे पास? अबे भाई मैं सीमेंटिंग पेस्ट ही नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास चिटिन और केरेटिन ही नहीं है। मुझे चिटिन और केरेटिन का जो ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से, तो वरना मैं अपने फैब्रिकेटेड राइफल को जो है ना गाइज यहाँ पे असेंडेड नहीं कर पाऊंगा गाइज, और बिना असेंडेड करे वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी। अरे फिर भी भाई काफ़ी ज़्यादा बन गया, वो मैं भूल गया था इसके अंदर एक का डबल होता है ना, क्या मैं दो अपग्रेड दे पाऊंगा गाइज? क्योंकि मैं देखता हूँ, दो अपग्रेड भी अगर दे पाया तो काम 25 हो जाएगा अपना भाई। 700 क्या ही बन रहा है भाई, 800 बनने वाला है गाइज लगभग। ये लो भाई 900 बन गया, ठीक है। रुको मैं देखता हूँ कि मैं दो अपग्रेड अपने फैब्रिक को दे पाऊँगा कि नहीं। ओके ओके, 92 अगर और मिल गया ना तीसरा भी अपग्रेड दे सकता हूँ। डैमेज की बात करें तो 221, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन कोई ना, चलो आ जाओ अभी ना हम हमारे वुल्फ को लेके चल दे, और देखता हूँ इसकी मेरे को कहाँ पे चिटिन बिटिन केरिटिन बिरिटिन मिलता है कि नहीं। वेट में 2 पॉइंट डाल दें, वुल्फ के स्टैमिना में थोड़े से पॉइंट डाल दें, उसके बाद इसके डैमेज में पॉइंट डाल दे, और इसके हेल्थ में पॉइंट तो डाल दूँ मैं, बट एक काम करता हूँ, रुको गाइस इसकी, हाँ मैंने डायनोज की हेल्थ गाइस थोड़ी सी कम कर दी, क्योंकि आपको मैंने बोला था गाइस कि हमारे पास जो डायनोज है उनकी हेल्थ जो है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली है, जिससे थोड़ा गेम मेरे को अनफेयर लग रहा था, इसलिए मैंने डायनोज की जो गाइस हेल्थ थी ना गाइस वो थोड़ी सी यहाँ पे कम कर दी। रुको गाइस मेरे को ना इस वुल्फ की हेल्थ फुल करके उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना गाइस
डायनोस को मारने के लिए जाना है। ऐसे जाऊंगा तो कोई भी भाई इसको एक हाथ फटका मारेगा ना तो ये मर जाएगा। ठीक है 28 लेवल है, कितना कर लो 25,000 30,000 कर लेता हूँ। हेल्थ इसकी 30,000, उसके बाद मिली डैमेज में पॉइंट और ट्रैकर खिला देता हूँ। ट्रैकर पहले से खिलाया हुआ है। चलो गाइज मैं फटाक से ना इसकी हेल्थ फुल कर देता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। रुको गाइज 3 days later. चलो गाइज फाइनली भाई 2-3 स्टैग मिट गए थे, एक स्टैग बचा है भाई। खिला खिला के मैंने इसकी हेल्थ जो ना गाइज वो फुल कर दी है। बट अभी जो ना गाइज फॉल डैमेज से इसकी हेल्थ जो ना गाइज कम नहीं होनी चाहिए वरना भाई बहुत ज्यादा दुख लगेगा यार। हाँ भाई चलो सीधा पानी के अंदर लैंडिंग। ओके हाय कैप्टन हाउ आर यू सर। ये ले पट से और मेरे को एक बंदे ने एक चीज बताई। बताया क्या मुझे एक बंदे ने बोला कि अगर मैं पेंगुइन को मारने के बाद उनको क्लब से मारता हूँ तो मुझे ज़्यादा ऑर्गेनिक पॉलीमर मिलेगा। क्या ये बात सच है? ये मुझे पता नहीं था भाई। टिप्स एंड ट्रिक्स रुक जावा मैं ट्राई मारता हूँ। वो रहा गाइस हाँ वो रहा भाई पेंगुइन। ओके मतलब पेंगुइन नहीं है पता है मुझे बट फिर भी यार स्टिल ये रहा क्लब और ये रही इसकी बॉडी 16, 70, 100 अरे हारे 200। भाई भाई मेरे को वैसे भाई 100 ही मिलता था लेकिन अभी भाई 5 गुना ज्यादा नहीं 5 नहीं हाँ 5 गुना ज्यादा मिला भाई। थैंक यू ब्रदर। भाई ये टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो। भाई बहुत सॉलिड ऑर्गेनिक पॉलीमर मिलेगा इसे तो भाई ऐसे तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पॉलीमर मिलेगा। मैं अपने भाई ग्रैपल नहीं वो क्या है भाई वो अरे भूल गया उसको तो पहले इसको मारने तो सीमेंटिंग पेस्ट पोकड़ के सीमेंटिंग पेस्ट की अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि मुझे सीमेंटिंग पेस्ट ही चाहिए हमारे फैब्रिकेटर को जो ना गाइज अपग्रेड करने के लिए एंड वही मुझे यहाँ पे मिल गया। डैमेज गाइज 400 का ही जा रहा है गाइज मेरे वुल्फ का लेकिन नो प्रॉब्लम। आर टायर वुल्फ है भाई आर टायर वुल्फ है। आंटू पांटू समझे हो क्या भाई? ये भी पीछे कर रहा आगे पीछे हर साइड से मार रहे हो भाई हैं हर साइड से मार रहे हो। ये लो भाई हाइट दे दो केरेटिन दे दो। चलो भाई डैमेज में पॉइंट डालूंगा अभी जो भी पॉइंट आएंगे ना मैं भाई यहाँ पे डैमेज में डाल दूंगा। हमारे बुल्ब को वॉर के लिए रेडी करना है गाइज। अगले एपिसोड में मैं यहाँ पे इससे भाई खतरनाक सा मिशन करने वाला हूँ तो उसके लिए भाई वन शॉट 500 डैमेज। ओके दैट्स गुड डू। ओ भाई क्या बोलती पब्लिक हाँ मेरी जान भाई चोर। अबे यार चोर लोग ना भाई क्या बताओ आपको। हेलो सर हाउ आर यू भाई। गाइज इसका डैमेज तो है भाई डैमेज के साथ साथ इसकी मूवमेंट स्पीड भी काफ़ी तगड़ी वाली है। और मैं यहाँ पे ना ये जो आप देख रहे हो स्टेगो बिगो और कछुओं को मार के ना काफ़ी ज़्यादा केरेटिन इकट्ठा कर रहा हूँ भाई। ठीक है केरेटिन इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ना मुझे केरेटिन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं उसे सीमेंटिंग पेस्ट बना सकूँ एंड उसी सीमेंटिंग पेस्ट से मैं यहाँ पे 300 का डैमेज पड़ रहा हूँ यार स्टेगो के ऊपर। सही है चलो एंड उसी सीमेंटिंग बेस से मैं अपने फैब्रिकेटर को असेंडेड वाला बना दूंगा। समझ रहे हो गाइस प्लानिंग यार बढ़िया। पे कोई भाई मक्खी विक्की नहीं है क्या? कोई मच्छर विच्छर नहीं है जिससे मेरे को ज़्यादा केरेटिन मिल सके? दिख तो नहीं रहा भाई दिख तो नहीं रहा। ये ले बाय बाय भाई ट्राई क्लू को तो मैं क्या ही मार रहा हूँ भाई क्या ही मार रहा हूँ। वैसे मैं अगले एपिसोड में कौन सा मिशन करूँ ना भाई रुक जाओ वो मेरे को यहाँ पे देखने दो। हाँ जी मैंने करा था चूज योर ओन एडवेंचर सर्किट चेज है भाई सिक्योरिट द मेज कॉन्टेक्ट विद द शिप एडवांस प्रॉब एंड स्टिल रेज। ओके ठीक है सो ये वाला करना है मेरे को। सर्किट चेज में कर सकता है कोड रेड कर सकता हूँ हैक इन टू द स्टॉप रॉकवेल फॉर करप्टिंग द ओके ये कर सकता हूँ कोड रेड करूँगा अगले एपिसोड में भाई। रॉकवेल को जो फाइल है ना शिप की डाटाबेस वाली रॉकवेल वो करप्ट करके ना पूरे शिप पे ना कब्जा करना चाहता है तो मुझे वो फाइल करप्ट होने से बचानी है और रॉकवेल को पेल डालना है भाई। ये अपना मिशन रहेगा भाई ठीक है देखते चलो भाई। मेरे हिसाब से रॉकवेल के कुछ चेलों से भाई हमारा वहाँ पे सामना होएगा। मुझे लग रहा है डायरेक्टली रॉकवेल से जो ना कहीं हम लोग वहाँ पे पंगा ले पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली रॉकवेल से कहाँ पंगा लेना है ना ये मुझे पता है। उसके लिए मुझे उसके करप्टेड बाइब में जाके उसका जो हार्ट है ना कहीं हार्ट उस हार्ट के नीचे एक टेलीपोर्टर है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान डालना है और वहाँ से जाके मेरे को उस रॉकवेल को मारना है भाई ठीक है भाई। कछुओं को मारने से 500-500 मिल रहा है भाई मेरे को केरेटिन। रुको भाई कछुओं को ही पेल दूंगा मैं भाई। ट्रैक तो मेरे सामने छोटे बच्चे है भाई ट्रैक तो छोटे बच्चे है भाई मेरे सामने। हाइट ले लें मैक्स लेवल नहीं हुआ ना अभी तक नहीं यार
हमारा वुल्प गाइस अभी तक मैक्स लेवल का हुआ नहीं, लेकिन केरेटिन मुझे भाई 2000 मिल चुका है यहाँ पे। सही है, चलो तो भाई लोग। ये गाइस मैं सोच रहा हूँ स्ट्राइडर को मार को देख लूँ क्या एक बार क्या मिल रहा है। क्या बोलती पब्लिक है, एक स्ट्राइडर को मार के देख लूँ क्या मिल रहा है एक बार। चलो चल के देख लेते। ओ एक और, रुक जाओ, एक और मिल गया भाई। अरे हाथ से नहीं, हाँ क्लब से भाई। 1000 ऑर्गेनिक पॉलीमर मिलने वाला है लग रहा मेरे को। 1000 मतलब टोटल 1000 होने वाला है। इससे भी 500 मिलेगा। ये हो गया 300, ये हो गया 400। भाई ऐसे प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करो यार मेरे को है? किसी के तो मौत आई है लग रहा है भाई। हमारा वुल्फ किसी से कम है क्या भाई? किसी की तो मौत आई है, पोकट में मरने के लिए आ गया। ओ यहाँ पे कुछ गाइस स्टेक वाले ना पैरासोरस है, इनसे इलेक्ट्रॉनिक इकट्ठा कर लेता हूँ। अरे रुक जा भाई, अरे रुको रुको, भाग रहा था बेचारा भाई, भागते भागते फेल आएगा जवाब है। रुकना, सारा सामान ट्रांसफर भाई, ठीक है। और मैं टेक स्ट्राइडर को मारने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। टेक स्ट्राइडर को मारने जा रहा हूँ, देखता हूँ गाइस। ओ थोड़ा और ऑर्गेनिक पॉलीमर भाई, ऑर्गेनिक पॉलीमर की ना बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर पड़ा हुआ है गाइज। मैंने अपने सूट को वो करा था ना गाइज डिसमेंटल, उससे शायद मुझे ऑर्गेनिक पॉलीमर मिला है। देखता हूँ, रुको देखता हूँ, 500 प्लस मिलेगा। हाँ भाई हेलो, अरे अरे उल्फ बिठा ले बिठा ले, हम दोनों साथ में मारेंगे। हाँ चलो चलो गाइज, राइडर को जो ना गाइज मार देते। रैप्टर है क्या? चल रे भाई, बाय बाय। रैप्टर फुल गैंग के साथ आया था, बट रैप्टर की पूरी गैंग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। गाइज हम लोग ना स्ट्राइडर से पंगे लेने वाले यहाँ पे। वो मर नहीं रहा था, ट्राई 100 लेवल प्लस था ना। ये बाय बाय, स्टन भी कर दिया। गाइज स्ट्राइडर से पंगे लेने वाले गाइज, ठीक है, रेडी हो? मैक्स लेवल गाइज फुल पहुँच चुका है हमारा। ओके चलो आ जाओ। अरे भाई किन किन को उड़ा रहा है तुम भाई, लात मार मार के उड़ा रहा है भाई। ये ले ये ले ये ले ये ले, स्ट्राइडर फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, इसके नजदीक नहीं रहने का। ये देखना 1,00,000 का डैमेज, कितना गाइस? 1,00,000 का डैमेज, 1,00,000 का भाई फुल बूम बम। आजू बाजू जितने भी डायनोस थे सबकी बेटी बन गई गाइस। अगर मैं वहां पे होता ना मेरा वुल्फ भी मारा जाता, बट मुझे पता था गाइस कि ऐसे कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने जो ना गाइस कल्टी मार ली भाई वहां से। सही है चलो। तो गाइस क्या बोलती पब्लिक, कैसे लगा गाइस हमारा प्यारा प्यारा सा वुल्फ? अबे यहां पे कितने सारे पिंस भी नहीं यार। अरे फोकट में ऑर्गेनिक पॉलीमर बहुत ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। रुकना मैं घर पे ना एक राउंड मार के आता हूँ। ओके मेरे को घर से भाई एक बार देख के आना है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं, सॉरी पॉलीमर हमारे पास एक ही नहीं, ठीक है। रुको भाई, वुल्फ गैंग और थाइलो गैंग भाई ओपी लग रही है हमारी, ठीक है। रुको मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर है। हे भाई कोई सीन नहीं है, ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं मतलब पॉलीमर है हमारे पास, कोई सीन नहीं है। और एक काम कर लें, केरेटिन ले और सीमेंटिंग पेस्ट बना, अपने फैबी को भी असेंडेड कर लूँगा मैं। गन पाउडर 5000 इधर दे दें भाई। एक काम कर ले तू, एडवांस एमो बना ले, एडवांस। हाँ कितनी बना सकता है एमो? जितनी बना सकता उतनी बना ले भाई। 400 एमओ ईजी पीजी मेरी जान, ईजिली बना ले, मतलब 800 एमओ बन जाएगी कम से कम। और मुझे चाहिए होगा सप्रेसर, सप्रेसर किस में बनता है? अरे सप्रेसर, सप्रेसर होता है ना गाइज एक, जिससे भाई गन की आवाज़ ऐसा पुचुक पुचुक करके आती है, उसको क्या बोलते हैं? सप्रेसर ही बोलते हैं ना शायद से, साइलेंसर, साइलेंसर, साइलेंसर बोलते भाई, सप्रेसर नहीं बोलते, साइलेंसर बना दे भाई। साइलेंसर यहाँ नहीं बनता है, साइलेंसर शायद से यहाँ बनता है। हाँ ठीक है, चिटिन और केरेटिन चाहिए भाई साइलेंसर के लिए, चिटिन और केरेटिन चाहिए। एक काम कर लो, हाँ बस थोड़ा दे दो चिटिन और केरेटिन, साइलेंसर बना लेंगे हम। रुक जाओ, साइलेंसर हेवी गो बन गया साइलेंसर गाइस, ठीक है। हमारे गन का साइलेंसर जो है गाइस वो भी बन चुका है, गन की एमओ भी बन चुकी है, गन को खाली असेंडेड जो है ना गाइज वो करना बाकी है। और ये भी बना लो, एक काम कर लो। अरे यार एसएस वाला मॉड कभी कभी ग्लिच हो जाता है यार। हाँ एक काम कर लो जी, ये क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, चारकोल कम पड़ रहा है मुझे, ठीक है भाई। यहाँ पे बना देता हूँ मैं स्पार्क पाउडर, ठीक है लेट्स गो गाइज। काम 25 है ना मेरे भाई, काम 25 है, कॉम कॉम 25 है,
चलो तो गाइस अभी ना हम लोग यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे से, और मेरे को सीमेंटिंग पेज चाहिए था इसके लिए, मैं भूल गया, मुझे वो नहीं चाहिए था पॉलीमर, मुझे सीमेंटिंग पेज चाहिए था। मेटल और सीमेंटिंग पेज 600 चाहिए। क्या 600 सीमेंटिंग पेज बना है? 1200 बना है, 1200। 600 की बात करते हो तुम्हें, 600 कर दी ना छोटी बात। मेटल इनगेट थोड़े से कम पड़ जाएंगे गाइज, मेटल ना मेरे पास उतना ज़्यादा था नहीं। ये 500 मेटल है गाइज, 500 मेटल है, शायद से ना काम हो जाएगा अपना। 4000 ऑल राइट, और भाई 700 और मेटल भी रसेंटेड वाली बन जाएगी, मेटल नहीं सीमेंटिंग बेस्ड, बट इतना सीमेंटिंग बेस्ड अभी तो फिलहाल के लिए मिल नहीं पाएगा, लेकिन कोई ना, चलो गाइस कोई ना भाई, जितनी बनी है उतनी से हम काम चला लेंगे, और इससे भी हम लोग जो है ना गाइस एकदम फुल टू बूम बाम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जो भी गाइस हमको उंगली करने आएगा उसकी बैंड बजा सकते हैं। रुक जाओ मैं आपको भाई हमारी गन का ना डैमेज दिखा देता हूँ, हमारी गन का डैमेज कितना जाने वाला है। हाँ साइलेंसर भी लगा रखा है भाई, साइलेंसर। हाँ कौन है, पट से 700 डैमेज मेरे एरो का डैमेज जाता है 400 का, और इसका 700 का डैमेज जा रहा है, सही है, चलो काफ़ी बढ़िया। ड्यूरेबिलिटी कितनी है भाई? 400 ड्यूरेबिलिटी है, 400 ड्यूरेबिलिटी है, पर मैं इससे ना लगातार मार सकता हूँ गाइस, लगातार इस तरह से। ओहो, और गाइस ये आवाज़ भी नहीं करेगी क्योंकि मैंने इसको साइलेंसर लगा रखा है, सही है। चलो काम हो गया गाइस हमारा 25, और अभी अगले एपिसोड में वुल्फ को लेके जाऊंगा और अपने साथ ये गन लेके जाऊंगा और सबको सबकी बैंड बजाऊंगा। बट मुझे ना एक और चीज़ करनी है, मुझे इसको भी अपग्रेड करना है। ऑब्सीडियन फाइबर एंड वो ची वुड, ऑब्सीडियन क्या मेरे पास है? 6000 है। एक काम कर ले यहाँ पे डाल। वुड क्या मेरे पास है? रुक जाओ, वुड तो भाई दबा के फायर फोर्ज के अंदर। चलो मैं अपने इस गन को ना अगले एपिसोड में अपग्रेड करूंगा भाई, ठीक है। बाकी मुझे ये बता देना गाइस कि आपको हमारी वुल्फ आर्मी कैसी लगी, और हमारा जो अल्फा पैक लीडर है ना गाइस, अल्फा वुल्फ, वो आपको कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। अगले एपिसोड में हम जो है ना गाइस रॉकवेल को, जो गाइस शिप की फाइल्स है भाई, जिस शिप में अभी हम है, जो आइलैंड बना हुआ है ये शिप में बना हुआ है, तो जिस शिप में हम है उसकी फाइल करप्ट करके पूरा जो ना रॉकवेल पूरे शिप पे कब्जा करना चाहता है, तो फाइल करप्ट करने से मुझे उसको रोकना है, और वही काम हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। बाकी अगर आज का एपिसोड और हमारे वुल्फ आर्मी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk